बहुत ही थोड़े सारे साथियों का धन्यवाद। तो मैं इस गल की माफ़ी भी चाहूँगा भी थोनू वेट करना पाया, पर अज अजनाला हल्के दे अंदर जिस तरह का लोगों का उत्साह जिस तरह हुम हुमा के सारे लोग उत्थे आए, उन्होंने सारे दे चेहरे ते बड़ी चिंता दे नाल नाल एक गुस्सा जेड़ा है वो उन्होंने चेहरियां तो झलक रहा सीगा। ते अज जेड़ा समस्या पंजाब दे सामने दरपेश है, ध्यान करो मैं कह रहा पंजाब दे सामने, क्योंकि यह मसला सिर्फ हुण किसानी का नहीं, हाँ मसला पंजाब दा है, पंजाब दे अर्थचारे दा है, पंजाब दे भविख दा है, पंजाब दी जवानी दा है, किसानी दा तां है ही है नाल नाल, ते पंजाब दे अर्थचारे दे उत्ते जिहड़ा माड़ा प्रभाव जिस किस्म दे कदम केंद्र सरकार चुक रही है वह बड़े ही मंदभागे ते चिंताजनक है। काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए, केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए, किसानों का नाम लैके बनाए, पर असल मायनों के अंदर आ जिहड़े कानून सीगे आ साहूकारां वास्ते बने सीगे। किसानी की कबर खोदण का काम किया है इन्हां काले कानूनों ने, पंजाब दे किसान नूं मजदूर बनाउण दा एक बहुत ही साजिश, वड्डे पद्धर ते साजिश करके आ सारा कुछ रचिया गया। कल्ले पंजाब तां ही सीमित नहीं रहना, पंजाब नूं निशाना बनाया जा रहा है, पंजाब नूं सबक सिखा के सारे हिंदुस्तान दे अंदर एक मैसेज भेजण दा प्रयास बीजेपी दी मोदी साहब दी सरकार कर रही है। मैं बड़ा सोच समझ के जिहड़ा शब्द इस्तेमाल कीता है सबक सिखाउण दा, क्योंकि जिस किस्म दे प्रयास चल रहे है केंद्र सरकार दे, पहलां साडी GST दी बकाया राशि जिहड़ी कल भी कैप्टन साहब ने जिक्र किया सितंबर महीने ताईं दी 9,500 करोड़ रुपया उन्होंने रोक रखी है। उहदे बाद जिस तरह ब्लॉकेड किया जाता है, मैं कल भी गुजारिश की सी, अज मैं फिर थोड़े राही सारे पंजाब दे लोगों ते केंद्र दे सरकार ताईं भी आवाज़ पहुँचाना चाहना कि इस किस्म का ब्लॉकेड नाकाबंदी जिहड़ी की जाती है, अजनाला साहब बैठे है, सचर साहब बैठे है, DC साहब बैठे है, भलाईपुर साहब बैठे है, सारे अच्छी तरह समझते हैं कि जदों अमरीका का क्यूबा दे नाल ते रशिया दे नाल जदों पिया सी बे ऑफ पिग्स, तुहानू याद है क्यूबा का ब्लॉकेड किया सीगा अमेरिका ने, या स्ट्रेट ऑफ हारमूज के अंदर ईरान का जदों ब्लॉकेड करने की नौबत आती है तो अमरीका अपना बेड़ा भेजता है। इकनोमिक सेंक्शनस एंड ब्लॉकेड यह अंतरराज्य पद्धर के उत्ते जो अमरीका का पेचा कि हूँ इकनोमिक सेंक्शन उन्होंने रशिया के खिलाफ ला रखी है, भी यूक्रेन के नाल उन्हों का मसला है तो इकनोमिक सेंक्शन लाती हैं। इत्थे पंजाब हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, कला अंग ही नहीं, दिस इज द सोर्ड आर्म ऑफ इंडिया। जदों कि भीड़ पई है हिंदुस्तान के उत्ते तो पंजाब ने अगे हिक डा के अपने सीने के उत्ते उचेली है। प्लीज पंजाब खड़क भुजा है हिंदुस्तान की, सोर्ड आर्म ऑफ इंडिया, जिदे किते भी भीड़ पई है, चाहे कारगिल सी, चाहे 62 सी, चाहे 65 सी, चाहे 71 सी, चाहे हुण, चाहे हुण भी चाइना के बॉर्डर के उत्ते जो कुछ भी वापर है, चाहे साडे नौजवानों नू, साडे बहादुर जवानों नू, फौजदियां नू, चाहे हथियार नहीं पर मुहैया करवाए, फिर भी कुरबानियां देण दे अंदर पंजाब दा सब तो अगे नाम सीगा। पर उस पंजाब नू शाबाशे देण दी बजाए केंद्र अज सबक सिखाण दे उत्ते तुलिया होया है। ब्लॉकेड किया गया, रेलवे बंद कीतियां गईयां, GST रोकिया गया, केंद्र सरकार दा जिहड़ा टैक्स इकट्ठा हुंदा, जिहड़ा डिविजिबल पूल है जिन्हों उन्होंने बल्ले बल्ले लैण दे विच जिहड़े अकाली भाईवाल सीगे इन्होंने खड़े होकर कहा सी बहुत इतिहासिक कदम चुकिया मोदी साहब ने, जिहड़ी रेशो सी स्टेट्स दी वधा के जिहड़ी 40-42% की गई सी उहनूं फिर 30% ते करन दी कृपास कीते जा रहे। ते अज जिहड़ा कीता है पंजाब दी RDF रूरल डिवेलपमेंट फंड, पेंडू विकास फंड दे जिहड़े पैसे है, जिहड़ी झोने दी इस फसल दी खरीद दे विच
पंजाब सरकार अपनी मंडियां चों FCI तों चार्ज करती है उन्हों अज रोकण दे जिहड़े इन्हां दे इरादे सामने आए है केंद्र सरकार दे करीबन 1100 करोड़ रुपया पंजाब दा मसला 1100 करोड़ रुपया रोकण दा नहीं मसला पंजाब दे घुटने टिकाण वास्ते पंजाब नूं सबक सिखाण वास्ते क्योंकि पंजाब ने हिम्मत दिखाई है पंजाब दे कन्नी सारा हिंदुस्तान देख रहा सीगा पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इन्हें काले कानूनों के खिलाफ एक किसान पक्षी जिहड़े कानून पास किए है उहदे करके अज पंजाब नूं सबक सिखाण दा प्रयास किया जा रहा सर आ सोच जिहड़ी इस किस्म की छोटी सोच है इहदे नाल वड्डे मुल्क नहीं चलते होंगे आ एक बचकना लड़ाई जिस तरह कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर नौजवान बच्चे आपस से लड़ पैंदे भी मैं हेठां दिखाना है मैं नीवा करना है मुल्क जिहड़े है वड्डी सोच ते वड्डे जिगरे नाल चलते है ते आ जिहड़ा कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड है सरकार का वी आर लुकिंग फॉर कॉन्सीलीएशन नॉट कन्फ्रंटेशन चाइना नाल झगड़ा हुंदा है प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री फॉरन मिनिस्टर जिहड़े है वह जाके कहिंदे है वी वुड नॉट लाइक ए डिस्प्यूट डिफरेंस टू बिकम ए डिस्प्यूट असी जिहड़ा आपस च विवाद है उहनूं असी झगड़े च तब्दील नहीं होण देंगे पर इत्थे जिहड़ा मसला किसानां नाल गलबात करके सुलझाया जा सकदा है उत्थे पंजाब दी बांह फड़न दी बजाए इफ यू मे परमिट मी मैं पंजाबी च कहना चाहूँगा इस गल नूं भी साडी बांह फड़न दी बजाए पंजाब दी बांह मरोड़ के साडे मैं समझदा पंजाब दे घुटने टिकाण दा प्रयास मोदी सरकार कर रही है जो कि बहुत ही मंदभाग है जिथे संघीय ढांचे दे खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन दी स्पिरिट दे खिलाफ है उत्थे ही केंद्र सरकार जिथे लोगों ने वोट दे के उन्हां ते आस बजी सीगी ते चाहे सोम प्रकाश जी इन्हां सारयां ने बार बार जदों आ काले कानून लैके आए थोड़े भी सारयां दे रिकॉर्ड च है बिकॉज सोशल जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड्स एवरी वर्ड एवरीथिंग यू से इज ऑन रिकॉर्ड उहदे च उन्हां ने कहा सीगा भी आ जिहड़े पंजाब सरकार गल कर रही है भी साडे जिहड़े सानू करीबन 5000 करोड़ रुपया जिहड़ा RDF मंडी टैक्स दे राही इकट्ठा हुंदा पऊगा कोई भी जिहड़ी खरीद है जिहड़ी पंजाब सरकार दी मंडियां दे अंदर हुंदी है उहदे उत्ते किसी किस्म दा काले कानूनां दा असर नहीं पैणा अज जिहड़े RDF रोके गए है अज तक तां उन्हां दे वादियां दी शाही भी नहीं सुकी ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ BJP ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜਾ ਖੇਤੀਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਤੋਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੈਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਆਹ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
जिस तरह का उन्हों का गला घोटिया जा रहा है, जिस तरह उन्होंने आर्थिक इकनोमिक ब्लॉकेड किया जा रहा है, वो हालात वही म्यूनसपैलिटियां वाले बन जाएंगे भी उतों मता पा के भेज दी है म्यूनसपैलिटी। सरकार के बाबू इतने बैठ के डिसाइड करते हैं भी फलानी म्यूनसपैलिटी कि पैसा देना है। आ जड़ा हिंदुस्तान के संघीय ढांचे के उत्ते बहुत व्डा एक चोट मारन की प्रयास केंद्र सरकार कर रहा है, जिसे कड़े शब्दों निंदा करते हैं। थैंक यू। भावें नहीं चलाई जा रही है, सब पंजाब का गला घोटिया जा रहा है। बिल्कुल पंजाब नूं आर्थिक तौर पर मारन का प्रयास किया जा रहा है। पहला कानून दे नाल कलम दे नाल मारन का प्रयास किया, पंजाब दे साडे खेतीबाड़ी नूं खत्म करन का प्रयास किया गया। स्पष्ट प्रयास जिहड़ा काला कानून है आ सिर्फ पंजाब सेंट्रिक, इहनूं मैं अगर कहां तां कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी। क्यों मैं कह रहा, कोई देखो पंजाब नूं सिंगल आउट किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध हो रहा है, पर 31 जिहड़ी मैंबरी कमेटी बुलाई गई सिर्फ पंजाब के किसानों नूं बुलाया गया। पहला ही दो फाड़ करन का प्रयास किया गया, एक हिंदुस्तान के अंदर मैसेज भेजने का प्रयास किया मोदी साहब की सरकार ने भी आ मसला केंद्र सरकार ते पंजाब दे विचकार है, बाकी हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरा मानना है डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, न तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, सारा मुल्क अगर किसानी खत्म होगी तो मैं समझदा सारा हिंदुस्तान वो फिर PL-480 जाके भीख मंगते फिरेंगे अमरीका को, हालात बन जाएंगे। देखो मदन मोहन मित्तल साहब के बयान जिहड़े तुसीं कहे भी है किसान नहीं, शायद इत्थे गल छड्ड गए होणगे, पर मदन मोहन मित्तल साहब तो भी वड्डे जिहड़े BJP के लीडर है, मैं सब तो पहला गल करनी चाहूँगा। सब तो पहले जिहड़े बयान आए सीगे पुरी साहब दे आए सीगे जदों इत्थे इसे पावन धरती ते आके उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, पुरी साहब ने जिहड़े शब्द इस्तेमाल किए सी उन्होंने आ कहिंदे जिहड़े धरने ते बैठे है दे आर ऑल हुलीगन्स, हुलीगन्स इज़ द राइट वर्ड, उन्होंने किसी तरह पंजाबी या हिंदी से तर्जमा कर लो, उन्होंने बदमाश कहोगे लुंगाड़ कहोगे या गुंडे कहोगे, हुलीगन्स कैन बी ट्रांसलेटेड इन एनी वे, पर उन्होंने हुलीगन्स किया। उसके बाद BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने आ कहा भी आ जिहड़े धरने लाई बैठे है रेल रोकी बैठे है सारे बिचौलिया का काम है, बिचौलिए किसानों नूं बिचौलिया कहा गया। तो कल शायद तुसीं नोटिस नहीं किया, तुसीं मित्तल साहब की गल फड़ी बैठे हो, कल मैं एक बड़ा सीरीयस एंड विद वेरी डेंजरस इंप्लीकेशंस बहुत ही गंभीर जिन्हां दे उहदे पिछे साजिश नज़र आ रही है। क्योंकि देखो जनरल सैकटरी बन गए ऑल इंडिया BJP दे तरुण चुग साहब, पर मेरा मानना है भी साढ़े वांगू वो बड़े साधारण जे सीधे साधे इंसान है जिहड़े अपने आप वो जिहड़ा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया अपने आप नहीं सी कर सकते, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है रिकॉर्डिंग ऑफ दैट, उन्होंने कहा आ जो कुछ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह इज डूइंग एट द बिहेस्ट ऑफ अर्बन नक्सल साढ़े पंजाब से वर्ड जिहड़ा इस्तेमाल होंगे, पहले नक्सलाइट कहते भी नक्सली तुरे फिरते हैं, बट जिहड़ा अर्बन नक्सल इस्तेमाल किया उन्होंने वर्ड इस आई थिंक इज प्रेगनेंट विद सो मच implications are such dangerous tones it has। हाँ बहुत ही एक खतरनाक सोच का नतीजा है जिहड़े बीज बोए जा रहे हैं। मैनू आ खतरा है भी आने वाले समय के अंदर किते किसान नू देशद्रोही ना करार कर देन साहब। देखो बड़ा मंदभागी है बयान है, मैं समझदा तरुण चुग साहब अपनी गलती का एहसास करनगे, आ शब्द वापस लैणगे, क्योंकि किसानों के नाल थोड़े डिफरेंसिज हो सकते है, विचार मतभेद हो सकते है, उन्हों की गल ना सुनोगे आ मतभेद अगे किवें रंग लेंदे है, पर इहदा मतलब आ नहीं भी तुसीं उन्हां नूं नक्सलाइट या अर्बन नक्सल्स कहो, उन्हां नूं बिचौलिए कहो, उन्हां नूं हुलीगन्स कहो, आ शोभा नहीं दिंदा। आ वो किसान है जिन्होंने हिंदुस्तान का पेट भरिया, पंजाब इज़ नोन एज अ फूड बाउल ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली द सोर्ड आर्म, असीं खड़ग भुजां हैगे हैं तो असी फूड बास्केट ब्रैड बास्केट ऑफ इंडिया इज़ पंजाब, इत्थे किसान अगर शाबाशी नहीं दे सकते तो तुसी लंच ना लो, मेरी इन्नी बेनती है। तो मैं एक बारी फिर थोड़े राही पंजाब कन्यो पंजाब कांग्रेस कन्यो प्रधानमंत्री साहब नूं बेनती करूँगा, प्रधानमंत्री साहब किसानां नाल बैठ के गल करो, उन्हां दा दर्द समझो, उन्हां दी समस्यावां सुनो, उन्हां दे खदशे दूर करो, तो इन्हां कानूनां तों किसान नूं बचाओ, किसानी नूं बचाओ, देश नूं बचाओ।
पंजाब के घुटने टेकन वास्ते पंजाब ने हिम्मत दिखाई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जुर्रत दिखाई है इन्हों काले कानूनों के खिलाफ खड़े होने की, जिहड़ा एक नॉर्मल प्रोसैस है लोकतंत्र के अंदर। पर मैनू लगता है लोकतंत्र जिस तरह छिके ते टंगण का प्रयास किया जा रहा है, हुक्मरान जिहड़े है एक लोकतंत्र के अंदर जो भी शासक है वह अहंकार का उहदे कोल किते भी कोई अधिकार नहीं है भी वह अहंकारी होवे। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਟੀਚਿਊਡ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਹਾਲਾਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਯਹੀ ਹੋਂਗੇ ਸਰ। ਦੇਖੀਏ ਆਜ ਜੋ ਇਹ ਅੜੀਅਲਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ये देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के और हमारी आज़ादी के भी हित में नहीं है साहब। ये आज़ादी और ये लोकतंत्र और यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए छत्तीसगढ़ की भी कुर्बानियाँ रहेंगी, और पंजाब चाहे 2% 2% हिस्सा है पर कुर्बानियों में हमारा हिस्सा, हमारी जनसंख्या और हमारे आबादी और उस जोग्राफिकल एरिया से बहुत ज़्यादा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी बपौती में नहीं मिली बीजेपी को, ये आज़ादी पंजाबियों ने और पूरे हिंदुस्तान वासियों ने कुर्बानियां देके अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला। इसलिए नहीं निकाला कि यहाँ पे अंग्रेज़ की रूह जो है काले अंग्रेज़ों में आके गोरे अंग्रेज निकाल दिए, काले अंग्रेज आके उसी आज आत्मा और उसी स्पिरिट और उसी भावना के साथ बैठे आज देश के ऊपर इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। जाली और कैदी किसानों का जिक्र अपने स्पीच के विच भी कीता, वो कौन लोग ने, क्योंकि दावा तो हर पार्टी किसान हितैषी होने का कर रही है। दावे करने वाले कोई नहीं होंगे साहब। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਆ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ। ਆਹੀ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਨਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ FCI ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ FCI ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, 10 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗੇਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਘਪਲੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ FCI ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ RBI ਕੀ ਚਾਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਸਰ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੀਏ ਕੇਰਲ ਕੇ ਪਾਸ ਕੇਰਲ ਕਾ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਆਜ ਯੇ RDF ਔਰ ਯੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ RBI ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ RBI ਦੀ ਚਾਬੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MSP ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਲਟਾ ਮਾਰਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ, ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ,
किसान की जिम्मेवारी लैण तो भज रहे। मोदी साहब जिम्मेवारी लो, किसान दे हितैषी बनो, कर्जा माफ करो, MSP इंश्योर करो, बाकी फसलों की भी करो, तो साड़ी जिहड़ी MSP सानू मिल रही है उनू रोको ना, उनू बहाल करो, उदे ते पक्का पहरा दिओ। देखो इतिहास तो जिस तरह मैं थोनू कहा भगवंत मान जी ने इतिहास दसता किन्ना के इतिहास है, पर एक गल सारयां नू स्पष्ट होनी चाहिए है साहब, दो घोड़िया से जोड़े सवार होंगे उन्होंने हाल आई होंगे। देखो की हो, मैं बड़े तथ्य नाल गल करूँगा, सॉरी उस समय थोड़ा लूँगा, लंच का भी टाइम है, पर एक मैं थोड़ा जरूर दसना चाहूँगा, अस्तीफा दिता नहीं साहब लिया गया। क्यों मैं कह रहा, तुम याद करो जिस दिन 15 तारीख में पहली बार बोले है सुखबीर बादल जी, उस दिन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पेश होया, जिहड़ा दूजा एक्ट है जो पेश नहीं होया, तो उस दिन उन्होंने जिस दिन खड़े होकर कहा मैं किसान हूँ और मैंने देखा कि जियो वाले सिम कार्ड पहले सस्ते दे के बाकी कंपनियां बंद करा दी, ये जिहड़ा उस दिन कीता है, उस दिन उन्होंने किते BJP के खिलाफ नहीं बोले, वो किते मोदी साहब के खिलाफ तो बोलना ही की सी, ते ना ही उन्होंने सिर्फ इन्ना कहा भी मैं इस एसेंशियल कमोडिटी कानून जिहड़ा है आ किसान वास्ते घातक साबित होगा, इस जमाखोरी वाले उन्होंने गल की तो नहीं की, पर मैं कह रहा भी आ जमाखोरी कानून है। पर उस दिन बीबा हरसिमरत कौर जी लोग सभा च नहीं सी बैठे जदों आ बोल रहे सीगे, क्यों? ए देखो सोचने पैंदियां गल्लां नूं, थोड़ा जिहा कोखों सारयां दे समझ आजूगी, उन्हां दा सी भी मैं जाके किसानां नूं आ कह सकूंगा भी देखो मैं थोड़ी गल अंदर बैठ के सरकार च बैठ के भी सरकार दे खिलाफ कानून दा मैं विरोध करके आया, ते बीबा जी जाके मोदी साहब नूं कह देणगे भी जी वह सुखबीर जी करी जांदे, मैं उन्हां दे नाल दी, उन्हां दा अस्तीफा देण दे बाद भी बयान आया बीबा जी का, वीडियो जिहड़ा उन्होंने एक पत्रकार नाल गल करदे कहा भी आई एम नॉट कॉलिंग दीज लॉज एज एंटी फार्मर लॉ और ब्लैक लॉ, काला कानून नहीं कह रही, किसान कह रहे, किसान कमले। सो उन्हों का सीगा भी अंदर भी रह लेंगे, किसानों नाल भी सगीरी पा लेंगे इधर, पर मोदी साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह तो है नहीं साहब भी, जिन्होंने पंजाब देख के सारा कुछ लुटाता, वो मोदी साहब वो कहते मेरी गल सुनो, कह बह जा एक एडा सीनियर पार्टनर हो सरकार का जिन्हों की वाइफ होते मंत्री हो तो उन्होंने बोलन ना देन साहब, आ ना कह दे मैं अस्तीफा दे रहा, क्योंकि मोदी साहब ने कहा भी इन शहीद ना बन दो, मैं कन्नों फट के बाहर क्ढने अकालिया आना, इन तुम बेइज्जती कह लो, इन कुरबानी कह लो। देखो मैंने बॉर्डर बनने की बात नहीं की साहब, मैं क्या हम तो बॉर्डर खुलाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुले, खास तौर पर माझे की जो इकोनॉमी है इसको फायदा मिले, और हमारी तो रेलवे रोकी जा रही है, कैसे हालात बनते जा रहे हैं, हम देश के अंदर भी हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है, ब्लॉकेड किया जा रहा है, देश ये देखो साहब आज तो बहानेबाजी है, मेमने की भेड़िए की गल नहीं सुनी भी कहता जी पानी जूठा करी जाता मैं तेन खाना है, वो कहता नहीं जी पानी तो उधरों हेटा थोड़े के नहीं तुरे जाता, कहते चलो फिर तेरे कि होर की तरह। उन्होंने पंजाब के घुटने टेकन का एक मन बना रखे, पंजाब नू सबक सिखाने का मन बना रखे, वो वास्ते ना तो जे पसेंजर भी चल जाएगियाँ वह भी चल जाएगियाँ, जे सवेरे असं कह दीए भी काले कानून सानू मंजूर है, किसानी मारना सानू मंजूर है, जे कुर्सी बचा के रखनी है कैप्टन साहब का सारा कुछ मनना पेगा, पर मैं समझदा भी पंजाब के आने वाले दिनों के बहुत कुछ हो सकता साहब, मैं कोई भविखबाणी नहीं करता, बट आई थिंक पंजाब के लोगों तैयार रहना चाहिए, इन हालातों के चीफ मिनिस्टर अस्तीफा देने फिरते हैं, वो कुटने टिकाण होए खड़े है, ऐसा कन्फ्रंटेशन का नतीजा कुछ भी निकल सकता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में, असी तो लई फिरदे हैं साहब, असी तो लई फिरदे हैं जी, इस तरह पंजाब के हित बचाने वास्ते सानू जे जो कुछ भी करना पिया साहब, वो तो फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री साहब ने करना है, पर पार्टी उन्होंने नाल खड़ी है, जो वह कह भी सवेरे मैं सरकार को डिसमिस करना लोगों की राय लीए, असं तैयार खड़े हैं, डट के खड़े हैं पंजाब के लोग नाल। थैंक यू।